दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर जो बॉक्स आप सामने देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा सामान मैंने ख़रीदा हुआ है। क्या क्या सामान खरीदा है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, यानी कि सभी सामान की यहाँ पर अनबॉक्सिंग होगी और आपको ये भी बताऊंगा कि वो सामान कहाँ से ख़रीदा है। तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लेना, काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो इस वीडियो में उनका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर फ़ैन ख़रीदे हुए हैं। ये 12 वोल्ट के फ़ैन हैं, ज़्यादा तो नहीं, बस सिक्स पीस ये वाले फ़ैन ख़रीदे हैं जो हमारे सीपीयू के अंदर भी लगते हैं। ये फ़ैन एम्पलीफायर में लगाने के लिए मैंने ख़रीदे हैं। मैं जो एम्पलीफायर बोर्ड रिसेंटली जो भी वीडियो बनाया था ना, उस वो काफ़ी ओवरहीट हो जाता है जब वो लोड में चलता है, तो उसके लिए उसको ठंडा करने के लिए फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे फ़ैन मंगवाए हैं। हो सकता है इन फ्यूचर एम्पलीफायर की असेंबलिंग में स्टार्ट कर दूँ तो वो भी आपको मैं वीडियो दे दूँगा। तो फिलहाल इतने सारे फ़ैन मैंने ख़रीदे हैं और एक हाई स्पीड यानी कि हाई आरपीएम वाला यहाँ पर फ़ैन ख़रीदा हुआ है। अगर किसी को प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए फ़ैन की ज़रूरत हो तो वो भी वहाँ से ले सकता है। और 2 5 वोल्ट के फ़ैन ख़रीदे हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ये फ़ैन जो है 3 वायर वाले होते हैं, इनकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो नेक्स्ट मैं बताऊँगा इन सभी का, मैं वीडियो बनाऊँगा, जो जो यहाँ पर चीज़ें हैं, जो वीडियो बनाने लायक चीज़ें होंगी उनका वीडियो बना दूंगा। और 2 गाड़ी की हेडलैम्प हैं, ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है, ये आपने देखा होगा बाइक के आगे इंस्टॉल करी जाती है, बाइक या फिर आप अपने व्हीकल में इंस्टॉल कर सकते हैं। 2 ये पीस खरीदे हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर ज़रूरत थी, मैंने सभी मंगवाई हैं। ये देखिए, ये बाइक पे या फिर आपकी गाड़ी पे इंस्टॉल हो जाती है ये लाइट, आप इसको घर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये होती 12 वोल्ट से ऑपरेट है लेकिन इसको कहीं भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसी ये वाली है, मल्टी कलर में है, तो ये वाली ये दोनों 12 वोल्ट से ऑपरेट होती हैं। वैसे मैंने स्पेशली अपनी बाइक पर इंस्टॉल करने के लिए इनको ख़रीदा है, तो ये भी वहाँ मिल जाएगा। तो अगर ये सामान आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पीस 12 वोल्ट की यहाँ पर LED है, सॉरी ये 12 वोल्ट वाली नहीं है, ये आपकी 220 वोल्ट वाली है। देखिए 220 वोल्ट से ऑपरेट होती है, ये भी LED प्लेट्स हैं। एंड यहाँ पर ये DOB है एंड यहाँ पर MCPCB है। सभी पीस मैंने मंगवाए हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर अलग क्वालिटी में भी देखना था, तो यहाँ पर मंगवाए हैं। इनकी परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगी। ये ड्राइवर्स भी हैं, ये ड्राइवर भी मैंने मंगवाए हैं, ये भी छोटे वाले ड्राइवर आजकल आ रहे हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पर मंगवा लिए। मैं थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखाऊं तो ये वाले ड्राइवर 5 6 पीस ये भी मैंने मंगवाए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए मैं आपको दिखाते रहता हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर ये पेस्ट मंगवाया, सोल्डरिंग पेस्ट, और DOB में भी अलग अलग यहाँ पर मंगवाई हैं। और ये मेल फीमेल कनेक्टर हैं, यानी कि अगर आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए इस टाइप से स्विच सॉकेट वगैरह चाहिए होते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और ये स्विच भी मैंने मंगवाया, मुझे इसकी ज़रूरत थी तो 1 2 पीस ये भी मंगवा लिया, कभी कभी इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, ये भी मैंने मंगवा ली है। बाकी ये वाली LED प्लेट भी मैंने मंगवाई है। एंड एक ब्लूटूथ का मैंने यहाँ पर ये किट मंगवाया है, ब्लूटूथ जो आपने देखा होगा A005, इसके अंदर ये लगता है। एंड ये 220 वोल्ट पे इसको लगाया जाता है, ये वोल्टेज बताता है, तो ये भी मैंने मंगवाया। इसे सभी को मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा किस तरीके से कौन सी चीज़ ऑपरेट करी जाती है। और ये हीट सिंक कंपाउंड मंगवाया है, कभी कभी IC वगैरह को जब आप लगाते हैं उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसको मैंने मंगवाया है। तो मेरे पास है ऑलरेडी, बट ये दूसरी क्वालिटी का है तो इसको भी मैं लगा के देखूँगा। एंड ये स्विच है, ये 1-way स्विच है स्लाइडर वाला। और कुछ चिमटी मैंने मंगवाई हैं, यानी कि ट्वीजर्स मैंने मंगवाए हैं, इनकी भी ज़रूरत मुझे पड़ जाती है। और एक स्क्रू ड्राइवर उन्होंने अपनी तरफ से भेजा है, तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो गिफ्ट हमेशा भेज देते हैं, तो यहाँ पर अच्छा है, चलो बढ़िया है। ये स्विच SPST स्विच भी मैंने मंगवाया है, कुछ ट्रांजिस्टर्स BC557 547 मैंने मंगवाए हैं। और छोटी वाली LED जो आपकी टॉर्च के अंदर लगती है वो भी मैंने यहाँ पर मंगवाई है। मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं, ये आपने देखा होगा ना, टॉर्च के अंदर लगती है और काफ़ी बार फ्यूज हो जाते तो उस वक्त मिलती नहीं रिप्लेस करने के लिए, तो यहाँ पर ये मैंने मंगवाई है। और एक जो आप हेडलैम्प वगैरह गाड़ी में यूज करते हैं मैनुअली, तो उसमें भी ये इस्तेमाल करी जाती है, इसकी फोकस और इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा अच्छी होती है। और ये वाले ये फ्यूज आपने देखा होगा, DC फ्यूज बोलते हैं इनको, अभी 1 2 पीस यहाँ पर गिरे भी थे, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा खुले वाले। तो DC फ्यूज
आपने देखा होगा ना, ये इन्वर्टर वगैरह के पीछे इस्तेमाल करे जाते हैं, इन्हें डीसी फ्यूज कहा जाता है। 20 एम्पियर 40 एम्पियर के होते हैं डीसी फ्यूज ये, और गाड़ियों में भी यही इस्तेमाल होते हैं ये वाले फ्यूज। और ये पूरी कवर वाली ट्वीजर है, इसको आप एलईडी बल्ब रिपेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट वगैरह नहीं, क्योंकि इसमें कवर लगाया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर ये है अलग से, आपने देखा होगा ना सायरन, जो सायरन सायरन का जो आयरन होता है 60 वाट में, उसकी एक बिट है, अगर कभी ख़राब हो जाए या फिर कभी घिस जाए तो ये बिट वहाँ पर इस्तेमाल करी जाती है, सायरन की बिट है। और यहाँ पर ये बेल्ट दे दी गई हैं, इनका भी इस्तेमाल मैं करूँगा कभी केबल वगैरह को पैक करने के लिए। तो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर मंगवाई, अलग अलग प्रकार के स्विच मैंने मंगवाए हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, और भी जैसे कि आप छोटे वाले ब्लूटूथ के स्पीकर चाहते हैं वो भी मिल जाएंगे, और इस टाइप की जो बैटरी, हाँ काफ़ी लोग पूछते हैं, तो सर इस टाइप की बैटरी है ऑनलाइन में बहुत महंगी मिलती है, तो दोस्तों इसे आप ऑफलाइन में भी ले सकते हैं, बहुत सस्ती आपको वहाँ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर भी मिलेगा, और वहाँ पर आपको कैटलॉग वगैरह सब मिलेगा व्हाट्सएप पे, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड का ही वो बिज़नेस है, उसका एक चैनल भी है डीकेटी क्लब नाम से, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे पास अवेलेबल नहीं होती है मैं उसी से मंगवाता हूँ, और वो जेन्युइन रेट रहता है, ऑनलाइन से थोड़ा सा सही रेट वो दे देता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर आपको मैं इस जितने भी सामान मैंने लिए हैं सभी में से कुछ चीज़ें जो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर लेना, वैसे मैं आपको फ़ैन का बता दूंगा जिसमें 2-3 वायर होती है ना, यानी कि ये हाई स्पीड आरपीएम वाली होती है, इसमें 2-3-4-5 वायर होती है इसका, तो सभी का आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कल परसों तक। बाकी आप जो कमेंट करेंगे वही वीडियो पहले मैं बना दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए या फिर कोई भी सामान आप परचेज करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।